आज की रेसिपी मिठाई लवर्स के लिए है, जो मीठा तो खाना चाहते हैं पर कोविड-19 के कारण दुकान पे जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मालपुए पॉप्स। मालपुए बनाएंगे लेकिन तलेंगे नहीं, इनको बेक करके बनाएंगे लेकिन उतना ही टेस्टी बनाएंगे। इसके लिए हम गेहूं का आटा, चीनी और दूध से बैटर तैयार करेंगे और उसको 4-5 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है केला, कोकोनट पाउडर, ओट्स, दालचीनी, इलायची, चिरौंजी और किशमिश। 5 घंटे के बाद हम केले को मैश करेंगे और उसको बैटर में मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ओट्स को डालकर भी उसमें मिक्स करेंगे। नारियल पाउडर डालिए, मिक्स करिए। दालचीनी और इलायची पाउडर भी डालिए, मिलाइए। अब इसमें चिरौंजी और किशमिश भी मिला दीजिए। सब कुछ मिलाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ओट्स थोड़े फूल जाएं। कंसिस्टेंसी को चेक करिए, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा दूध आप मिला सकते हैं। अब अप्पे वाली कढ़ाई लीजिए, उसको तेज फ्लेम पे आप उसको गर्म करिए और उसको ग्रीस भी करिए। जब कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो जाए तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। बैटर को खूब अच्छे से मिलाकर इसमें फिल कर दीजिए। इसको ढककर 5 मिनट तक पकाइए। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, खोलकर चेक करिए। पॉप्स के साइड्स अगर आपको ब्राउन दिख रहे हैं तो उन सबको पलट दीजिए। दूसरी तरफ से पकाने के लिए भी उसको ढककर थोड़ी देर तक रखिए। और अब हमारे पॉप्स प्लेटिंग के लिए तैयार हैं। जिस भी तरीके से चाहिए उस तरह से इनको सजाइए और पेश करिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो एक हल्का सा शीरा बनाइए जिसमें चीनी और पानी बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। जब शीरा खौलने लग जाए तो उसमें पॉप्स डालिए। जब शीरा सोक हो जाए तो नारियल से सजाइए और पेश कर दीजिए। क्या इतने टेस्टी, इतने हेल्दी, इतने न्यूट्रिशियस मालपुए आपको मिठाई की दुकान पर मिलेंगे? कभी नहीं। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए।